और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, शामली में गढ़वाला खाप की पंचायत जारी है। शामली के लसेड़ा गांव में पंचायत हो रही है। 5 सितंबर को महापंचायत में शामिल होने को लेकर चर्चा, और संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सितंबर को महापंचायत बुलाई है। गढ़वाला और बालियान खाप के बीच गतिरोध है और गढ़वाला खाप की पंचायत में नरेश टिकैत भी पहुंचे हैं। गढ़वाला खाप को महापंचायत का न्योता है। हमारे बीच किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं है, नरेश टिकैत का ये बयान आपको बता रहे हैं। टिकैत के न्योते के बाद गढ़वाला खाप में चर्चा जारी है। दरअसल 5 तारीख को महापंचायत होने वाली है, उससे पहले तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। गढ़वाला खाप को महापंचायत में आने का न्योता दिया गया, लेकिन इससे पहले गतिरोध भी दोनों के बीच में देखने को मिला था। लेकिन हमारे बीच किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं है, नरेश टिकैत ने ये बयान दिया है, जो कि महापंचायत में पहुंचे हुए थे। और उस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई गतिरोध हम दोनों के बीच में नहीं है। खाप की बैठक में अचानक नरेश टिकैत पहुंचे थे। गढ़वाला खाप को महापंचायत में आने का उन्होंने न्योता दिया। इससे पहले जो जानकारी थी कि दोनों खापों के बीच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि एक विवाद के बाद ये गतिरोध देखने को मिला था। लेकिन आज जब यहाँ पर बैठक हो रही थी, नरेश टिकैत अचानक पहुंच गए शामली के लिसाड़ा गांव में। ये बैठक हो रही थी, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और 5 सितंबर की महापंचायत में शामिल होने को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही रणनीति तैयार की जा रही है। गढ़वाला खाप को महापंचायत में शामिल होने का न्योता दिया गया। नरेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया गतिरोध को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई गतिरोध नहीं है, हम दोनों एक हैं। बालियान खाप और गढ़वाला खाप को लेकर लगातार खबरें थी कि दोनों में गतिरोध है, क्योंकि कई मुद्दों पर ये गतिरोध देखने को मिला था। और अब जब ये बैठक हो रही है, तो इस दौरान नरेश टिकैत का बयान इस वक्त अहम है। बलराम पांडे शामली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, नरेश टिकैत का बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि एक गतिरोध हमने देखा बालियान और गढ़वाला खाप पंचायतों में, लेकिन अब ये दोनों एक हैं, इस तरीके की बात इस वक्त बैठक भी हो रही है। सबसे पहले ताजा अपडेट दीजिए और क्या रणनीति अब तैयार की जा रही है आगे के लिए। देखिए, आज गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक ने अपने आवास पर पंचायत आयोजित की थी, और आगे की रणनीति को लेकर के जो खाप के प्रमुख लोग हैं उनसे विचार विमर्श किया। लेकिन इसी दौरान जो बालियान खाप के चौधरी हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो पहुंचते हैं पंचायत में। उनका पंचायत में स्वागत होता है, लेकिन कुछ विवाद होने के बाद मामला सहमति पर आता है। दोनों चौधरी बैठते हैं, नरेश टिकैत अपनी बात को रखते हैं और वो कहते हैं कि हम कोरे कागज पर साइन करके दे देते हैं, चौधरी साहब आपकी जो इच्छा हो वो लिख लीजिए, मीडिया को दे दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद फिर गढ़वाला खाप के लोगों में पंचायत हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद आखिरी निर्णय जो है वो गढ़वाला खाप के जो मुखिया है चौधरी राजेंद्र मलिक, उन्होंने साफ तौर से सुनाया और उन्होंने कहा कि अगर ये पंचायत किसानों की होगी 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में हो रही है जी, उसमें गढ़वाला खाप शिरकत करेगा। अगर ये पंचायत टिकैत की होगी तो उसमें गढ़वाला खाप शिरकत नहीं करेगा। तो यानी कुल मिला के जो गढ़वाला खाप के चौधरी का बयान है वो ये है कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन अगर इस आंदोलन को कोई व्यक्तिगत रूप देगा तो वो उसके साथ नहीं है। हमारे साथ तो कुछ लोग मौजूद हैं जो इस पंचायत में शामिल हुए थे, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय नरेश टिकैत पहुंचे, बात हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, आपको क्या लगा कि अब सहमति है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, जो हमारा बाबा कहेगा वह सहमति है। यानी अभी भी अटकलें बरकरार हैं? यह तो बात बिल्कुल नहीं माननी जाएगी, टिकैत की जो वे कहेंगे, हमारे बाबा जी जो राजेंद्र चौधरी कहेंगे वे माननी जाएगी, जो उन्होंने कहा, यानी कि टिकैत की पंचायत है तो उसमें जाना नहीं, और वह किसानों गया जाना टिकैत के आया, इसमें कोई नहीं जा गढ़वाले खाप में। तो यानी 5 सितंबर को आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, ये निर्णय नहीं जाएंगे। यानी आप बताइए, आप बिल्कुल बाबा के साथ है, बाबा का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। बाबा की अगर इज्जत नहीं है तो वहाँ कोई नहीं जाएगा गढ़वाला खाप से, कोई भी एक भी आदमी नहीं जाएगा।
यानी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पंचायत में शामिल होने के लिए लोग आए हुए थे, उनका साफ तौर से कहना है कि बाबा चौधरी राजेंद्र मलिक का जो भी निर्णय होगा उसी के साथ सभी लोग हैं और उसी का पालन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अब पंचायत खत्म हो चुकी है और लोग बाहर निकल रहे हैं पंचायत से, लेकिन उन्होंने सर्वसहमति से एक ही निर्णय लिया है कि जो यहाँ पर ऐलान बाबा चौधरी राजेंद्र मलिक करेंगे उसी का पालन होगा। और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पंचायत किसानों की है तो उसमें गठवाला खाप के लोग शिरकत करेंगे, अगर पंचायत व्यक्तिगत टिकैत की है तो उसमें कोई शिरकत नहीं करेगा। यानी उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया है पंचायत में। अब आगे देखिए कि रणनीति क्या होगी, और भी हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस पंचायत में, आप भी आए थे, आप बताइए, आपने कोई डिसीजन जो दिया गया उसके सहमत में है? जैसे बाबा जी कह गए ऐसे चलेंगे भाई, हम टिकैत की यूनियन में हम नहीं जाने के, किसान की यूनियन में जा सके थे, वो तो टिकैत की यूनियन है। यानी आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका एक ही मत है कि अगर ये पंचायत किसानों की होती तो हम जाते, लेकिन वो तो कह रहे हैं ये तो किसानों की महापंचायत है। अगर किसानों की पंचायत होती जाते, अगर टिकट पंचायत है तो नहीं जाएंगे, जो हमारे खाप के बाबा जी कहेंगे वही होगा। यानी आप भी वही बाबा जी का निर्णय सम्मान जी। लेकिन बलराम सवाल ये कीजिए, बलराम सवाल तो अब इस बात का भी है कि अगर टिकैत की पंचायत है तो वो नहीं जाएंगे, अगर किसानों की पंचायत है तो वो जाएंगे, लेकिन टिकैत तो किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, फिर इस तरीके का मतभेद क्यों है? देखिए इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से 14 अगस्त को उमेश मलिक जो बुढ़ाना से विधायक हैं और वो इस गठवाला खाप से भी संबंधित है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिसौली में उनका अपमान हुआ है, उनका विरोध हुआ है, उसको लेकर के जो गठवाला खाप के मुखिया हैं उन्होंने कहा था कि उन्हें अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए था। यानी नरेश टिकैत वहां सर्वमान्य थे, मुखिया थे, उन्हें आगे आकर के इस तरीके की हरकत होने से रोकना चाहिए था, उन्हें वहां पर जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे थे उनको बिठा करके, विधायक को बिठा करके अगर कोई गिला शिकवा था तो उसको खत्म करना चाहिए था। यानी समाज को टूटने से बचाना चाहिए था, ना कि समाज को तोड़ने का काम करना चाहिए था। यही वजह है कि उन्होंने पंचायत बुला करके एक निर्णय लिया था कि 10 दिन के अंदर अगर नरेश टिकैत अपने बयानों को वापस नहीं लेते हैं तो वो उस महापंचायत का बहिष्कार करेंगे जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होनी है। और उसके बाद आज 10 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन उन्होंने अपने बयानों को वापस नहीं लिया। यही वजह है कि आज अगर ये जो मुखिया है कि अगर गढ़वाला राजेंद्र मलिक के लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसानों की पंचायत होगी तो हम जाएंगे, टिकैत की अगर पंचायत होती तो हम नहीं जाएंगे, जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, जो लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से, फिर तो 5 तारीख को लेकर भी सवाल है कि किसानों को एकजुट करने की जो कवायद देखने को अब तक मिल रही है पिछले 9 महीने से, उस पर भी सवाल है कि क्या ये किसानों की पंचायत जो 5 तारीख को होने वाली है वो होगी या वो सफल होगी, इस पर भी सवाल है। देखिए जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होनी है जी, वो कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे की है जी, और उसमें भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ कई किसान यूनियन के संगठन जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे, साथ ही कई राजनीतिक दल भी उस महापंचायत में शामिल होंगे। और जिस तरीके से इस कयास में लोग लगे हुए हैं कि आखिरकार जो गठवाला खाप है वो उसमें शिरकत करेगा कि नहीं करेगा, तो आज गठवाला खाप के मुखिया ने साफ कह दिया है कि अब ये सोचना नरेश टिकैत का काम है कि उसे किसान महापंचायत बनाते हैं या फिर उसे टिकैत पंचायत के रूप में तब्दील करते हैं। इंतजार करना होगा बलराम हमें और देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम।